जिस तरीके से आप जब से अध्यक्ष बने उसके बाद से कई सीनियर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, ऐसा किसने के नाम बता रहे आज का जैसा है। अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे, वो बीजेपी में ही थे। इसका इसके पहले जो लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूँ, 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, आज हम वो लिस्ट जारी करा। जीतू भी ये मानते हैं कि आपको कमलनाथ जी को टारगेट कर रही है बीजेपी, क्योंकि वहाँ भी कुछ पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन करवाया नहीं, ऐसा ये फिर वो बात है, कैसे कर रही है टारगेट। अभी भी हमारे यहाँ से जो गए हैं उसका मैं वक्तव्य, हम हमारी पार्टी में ही नहीं थे तो नेचुरल है कोई बात सर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है तो क्या आप कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई 2019 के पहले, तो क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मुद्दे को लेकर? इसमें नेशनल का हमारी पार्टी जो हमारी बॉडी है वो निर्णय ले रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बाकी डाटा भी हम इस पर रिसर्च चल रहा है, एक एक चीज बाहर लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार फूट रहा है, फूट रहा है, फूट रहा है, तो कांग्रेस का दायित्व है वो निभाए। सर आंदोलन की बात करिए, क्या रणनीति पूरे देश में, पूरे देश नरेंद्र मोदी जी के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन। सर एक सवाल, कल आचार संहिता लग सकती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली गई है, मध्य प्रदेश में 18 प्रत्याशी आपके रुके हुए, कब तक आ जाएंगे? 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित।